हेलो दोस्तों, देख सकता है ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है। तो इसमें आज हम क्लासिक 350 का शॉकर फिट करने वाला है। तो कैसे फिटिंग करता है इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। इसको फिट करने के लिए सॉकेट जबर को आपका ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ये गाड़ी का वाला है, देख सकते हैं। आसानी से फिट हो जाता है। थोड़ा सा चेन कवर को मिलाना पड़ता है बस, उसके बाद ये फिट हो जाता है। चेन कवर को काटना उड़ना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये देख सकते हैं, हम चेन कवर को काटा नहीं है, जैसा ओरिजिनल है ऐसे ही रखा हुआ है। सिर्फ चेन कवर जहाँ फिट होता है वो क्लेम को थोड़ा मिलाने से आपका सॉकेट जबर आराम से फिट हो जाएगा। क्लासिक 350 का सॉकेट जबर को हंटर में फिट करने के लिए आपको दो ही चीज़ करना है। जो गाड़ी का ओरिजिनल सॉकेट जबर है उसका आप कोन को निकाल लेना है। निकाल कर आप क्लासिक 350 वाला में फिट कर लेना है। बस ये दो ही काम है, एक चेन कवर का क्लेम को मिलाना है और एक गाड़ी का जो ओरिजिनल वाला सॉकर है उसका कोन को निकाल के आप क्लासिक 350 का सॉकर में फिट कर देना है। उसका बोल्टू घुसता नहीं है अंदर, तो उस वजह से कोन को चेंज करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, हम निकाल दिया गाड़ी का वाला, बस अभी ये आपका क्लासिक का वाला को निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये निकाल दिया, अभी दूसरा वाला वो भी निकाल देगा। ऊपर नीचे दो रहता है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एक पिन लेना है बस, कोन का ऊपर चोट मारना है, निकल जाता है बाहर। उस
उसको गाड़ी का आला को फिट कर देना है। थोड़ा ऑयल लगा के अंदर डाल देना है आपका कोन को, ये देख सकते हैं आराम से फिट हो गया। ये दूसरा वाला है, ये देखिए आसानी से फिट हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। ये दूसरा साइड वाला है, सिर्फ सॉकर को घुमा के फिट कर देना है। कुछ जुगाड़बाजी नहीं करना है, एकदम आसानी से फिट हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए टाइट हो चुका है, आसानी से फिट हो चुका है। ये देख सकते हैं चेन कवर भी बहुत ही गैप है, बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, कितना स्मूथ से काम कर रहा है सोकर क्लासिक 350 का। ओरिजिनल वाला जो बहुत ही हार्ड था, ये देख सकते हैं ये दोनों सॉकर गाड़ी का निकाला वाला, टेस्ट ड्राइव ले लेता है।